हमीर सिंह जी, तुसी सारे मेहमानों की गल सुनी कि थानू लगता है कि ये जो है ये हुण पॉसीबल हो सकता है कुछ संविधान दे विच भी बदलाव करने पैणगे, जिस तरह के नाल कुछ सूबियां दे विच हुण चोणां होईयां ने, लोक सभा चोणां 2019 दे विच ने, उस नूं लैके भी काफ़ी कुछ जो है तरीकों का बदलाव भी करना पेगा। ये सवाल फिजीबिलिटी और नॉन फिजीबिलिटी का नहीं जी है, एदू बड़ा सवाल डेमोक्रेसी का क्वेश्चन होंदा है जी। जेड़े के कॉन्सेप्ट लैवल दी चीज़ां ने, केवल ये नहीं है कि चीज़ लागू तो कल एमरजेंसी भी हो सकती है, जब मर्जी लागू कर दोगे, गल केवल उन्ने नुक्ते तक सीमित नहीं है। ये ठीक है कि संविधान च तब्दीली करनी पेगी, कुछ टैक्नीकल नुक्ते ने, वो अलग सवाल ने जी। पर बहुत ज़्यादा डायवर्स कंट्री दे विच जिथे अलग अलग तरह का मौसम है, अलग अलग तरह का कितने माहौल होंगे, अलग अलग तरह का बिहेवियर है, तो उत्थे तुसीं प्रेजिडेंशियल ऑफ फार्म ऑफ गवर्नमेंट अडवाणी साहब ने एक बार नुकता दिता सी, उधर नूं एक कदम का सवाल है। इहदे च बहुत छोटे लैवल दे ग्रुपां दी रिप्रजेंटेशन का जिहड़ा क्वेश्चन है उहदे अंडर करंट अंडर क्वेश्चन आएगा, अंडर सवाल आएगा। दूजी गल कि जिन्हें भी इलैक्टोरल रिफॉर्म्स दी असीं गल करदे आ, उह लोकां नूं ताकतवर बनाउण दे पासे लैके जांदे ने, जां कुछ गिणे चुणे ग्रुपां नूं, पार्टियां नूं, व्यक्तियां नूं उस पासे वल लैके जांदे ने। चाहिदा तां इह है कि जिवें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ते 20 सालां दा उहदा इक इतिहास दे तौर ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जी। उह एक्सपर्ट कमेटी दा इह इक रिकमेंडेशन है, उहदी ऑब्जरवेशन है। वह कमेटी ये कह रही है कि यह देश दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र मनिया जाता है, पर नाल दी नाल सच्चाई ये है कि इस देश दे कानून बनाउण दे विच सब तो घट प्रतिनिध भाग लैंदे ने लॉ मेकिंग दे प्रोसैस दे विच। इस करके उन्हें यह कहा कि 32 लाख नुमाइंदा लोकल बॉडीज का जिहड़ा चुनिया जाता इस देश दे विच, और जिन्नियां ग्राम सभावां ने, जिन्नियां अर्बन सेंटर दे वार्ड ने, किसी ना किसी मैकेनिजम के थ्रू उन्होंने ला मेकिंग प्रोसैस नाल जोड़ो, जे जमहूरीयत डिवेलप करनी है देश दे विच, जेकर उस पासे वाल देश नू लेके जाना है। तो इहदे नाल दी नाल कल्लियां राज्यां दा सवाल नहीं है, असी 96 दे विच अज तां मेजोरिटी है सरकार नू पार्लीमेंट दे विच नज़र आउंदी है, 96 दे विच सरकार टुट्टी, 98 च लोकसभा इलैक्शन होई, फिर 99 च होई, कल नू गवर्नमेंट ऐसियां बणदियां ने नैशनल लैवल ते कि मेजोरिटी नहीं, विचकार टुटदी है, की करोगे, राष्ट्रपति राज ला के रखोगे 5 जां जदों अगले साल पार्लीमेंट की गवर्नमेंट बनूगी उदों बाद सारे राज्यां दीआं तोड़ दिया करोगे, सिस्टम की होएगा जी। जी जी हमीर सिंह जी, मेरे दिमाग मेरे भी एक सवाल उठ रहा है कि कई बार कंसेप्चुअल क्लियर है सर, कई बार इस तरह होता है जिस तरह सेंटर च ये सरकार आ गई, केवल इतना नहीं है जी जी, सेंटर च ये सरकार होगी, सूबे दे विच 20 सरकार है, तो ये सरकार दी 20 सरकार ना बनती नहीं है, रौला ही यह है कि जदों असी ब्लैकमेल जी जी सर नहीं बनती, इहदा मतलब असी डेमोक्रेटिक सोसाइटियां जे नहीं बनती, असी सिंगल फार्मूला लैके चलते हैं, फिर तो जिहड़ी सरकार केंद्र चुन लिया करो, उदू बाद कहो तुसी राजा च नॉमीनेट कर लो, जिवें राज सरकारां कहिंदियां ने कि राज च सरकार चुन लो, जिला परिषद कुट के लै लो, पंचायतां कुट के लै लो, तो म्यूनसिपैलिटी, इह डेमोक्रेटिक मॉडल है। ठीक है सर, सो तुसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करन दी बजाय सरेंडर करके एक लाइन च लैके आना चाहुंदे आ कि लोकां नूं छंटे नाल हक्को। ठीक है डेमोक्रेसी इत्थों नहीं चलती, डेमोक्रेसी राइट टू रीकाल मंगती है कि जिहड़ी भी सरकार चाहे वह केंद्र की पहला तोड़े, लोगों को राइट टू रीकाल होना चाहिए जो काम नहीं करती। जिहड़ा एक काम करन दा सवाल है, लास्ट 2 महीनों च कोड लगता है, पहले 4 साल 11 महीने गवर्नमेंट डिवेलपमेंट की कर दिया ने, लोग भुखे क्यों ने, लोगों की आइडिया मुसीबत ठीक है सर, केवल 2 महीने की डिवेलपमेंट रुकी है, भखदे सवाल चुके ने, 4 साल ओदे च की करांगे। ठीक है, काफी भखदे सवाल चुके ने। मान साहब किस तरह ना देखते हो, जिस तरह नाल हमीर सिंह जी ने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की गल कही जाती है जी, कि जिहड़ी डिवेलपमेंट है वह हैम्पर हो रही है, 4 साल 11 महीने सरकारां आराम नाल रहिंदियां ने या जो भी है कुछ नहीं करदियां कहा जाए, पर लास्ट आखरले महीने च इन्नी ज़्यादा डिवेलपमेंट हो जाती है, वो पहला क्यों नहीं होंगी, जो पहले ही हो जाए तो हैम्पर ही ना हो डिवेलपमेंट की प्रोसेस सर। बिल्कुल जी, ये सरकार इसे करके ही लास्ट तक जो डिवेलपमेंट रोक के रख दिया ने, ताकि वोटर नू असी इन्फलुएंस कर सकीए, वोटर की याद, वोटर की मैमरी के जड़िया उदों जड़ों नवी नवी सड़क बनाई, नवी नवी गलियां बनाई, याद रहिंदियां ने, जे पहला काम करते हो तो वो याद नहीं रहना। ये देखो जे असी इनू आप गुरप्रीत जी ये थ्रैटिकली देखिए तो बड़ा एक बड़ा वधिया लगता है कि हाँ हाइपोथैटिकली बड़ी वधिया चीज़ बन जाएगी, लेकिन इहदी नीटिग्रिटीज़ जिन्हों आप देखिए बड़े सवाल ये खड़े होंदे ने। जिदा मैं कहना कि देखो इस वेले देश दे विच कोलिशन गवर्नमेंट्स बहुत लंबा चिर रही ने, सेंटर दे विच भी ने, स्टेट दे विच भी ने। मेरा एक सवाल है
कि मान लो एक कोलिशन गवर्नमेंट हैगी है उदे विच नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन दे विच जिहड़ी है कोलिशन गवर्नमेंट जिहड़ी है वह ड्रॉप हो गई, उहदा की बनेगा? इहदा मतलब होया नो कॉन्फिडेंस मोशन दा जिहड़ा असी वह बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं जी। इहदा मतलब कोई सरकार काम करे या ना करे, वह मजोरिटी च रवे या ना रवे, वह सरकार बनी रहेगी पांच साल, ये किहो जी गलबात हुई? दूसरी गल जिहड़ियां जिहड़ा हुण जिहड़ियां हुणे हुणे चोणां होईयां ने जां कुछ अगे चोणां होण वालियां ने उहनां दा स्टेट्स दा की बनेगा? ये आपां देखो ये एक 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 थ्रेटिकल गल हैगी है जी। इहदे ते बहुत एक वड्डी नैशनल लेवल ते एक डिबेट चाहीदी है जी, और हो सके रेफरेंडम वी चाहीदा ज्यादा सुधारां दी भी लोड़ है जिहड़े ने स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन दी। देखो एक जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एडा ये बहुत ज्यादा इहदे धारावां चेंज होणियां ने, क्योंकि जे जे एक स्टेट दे विच सेंटर लई और स्टेट दे विच जे नो कॉन्फिडेंस मोशन ही रह गया ते स्टेट दी जां स्टेट दी या सेंटर दी सरकार दी परफॉर्मेंस नूं कौन जज करेगा? ठीक है, डेमोक्रेसी खत्म करन दी गल हो रही है। कंबोज साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कंबोज साहब दा जवाब ले लिए। देखो गल यह है कि असी ये नहीं कहते, मैं ये कहना चाहता हैगा कि जेड़ा एक्सपेंडिचर है और बहुत ज़्यादा है और साडा जेड़ा गरीब मुल्क है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस वड्डे कॉज वास्ते तुहानू छोटियां मोटियां जिहड़ियां ने वह गल्लां तुहानू करनियां पैणगियां। मैं पहला ही कहण लगा सी जदों तुसीं मैनू रोक दिता कि तुहानू संविधान की धारा चेंज करनी पएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ी है इस गल दे उत्ते कुछ नहीं कहिंदी हैगी कि इकट्ठा कराया जा सकदा जां इकट्ठा नहीं कराया जा सकदा। सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डरस ने कि जिथे संविधान चुप है उत्थे इलैक्शन कमीशन जिहड़ी है अपनी डिस्क्रिशन वर्त सकदा जी। पर जिहड़े सवाल मान साहब ने चुके ने, हुण राज्यसभा दे विच 6 साल का पीरियड हुंदा है, तो जे कोई राज्यसभा का बंदा खाली हो जाता है डैथ वगैरह करके और उहदा पीरियड खाली 2 साल रहिंदा है, तो जिहड़ा नवा बंदा चुनिया जाता वह खाली 2 साल लई चुनिया जाता है, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ 1-0 ਕੇਸ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਖਾਲੀ 31%, 69% ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਆ ਜੀ, 27.6% ਵੋਟ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1964 'ਚ ਖਾਲੀ 11% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ 27.6% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ DMK ਨੂੰ 38 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ 44 ਸੀਟਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 36 ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ 44 ਸੀਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਖਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਊਂਡ ਹੈ
जे फर्ज कर लो कठियां चोणा होणगियां तां केंद्र दी सरकार सूबे दे उत्ते धक्का नहीं कर सकेगी, उहनां नूं कोई लालच नहीं दे सकेगी। जिवें कंबोज साहब ने कहा भी तैनूं 1.25 लाख देता, 2 लाख देता, रादर बड़ा असीं फिर इलैक्शन वल वधांगे, ना कि असीं करप्ट प्रैक्टिस वल वधांगे। ये वक्री गल है कि तुसीं जिहड़ा रीजनलिज्म है उहनूं थोड़ा बहुत फर्क पै सकदा है, पर जदों तुसी नेशन जिहड़ा ना वेखो, जदों अमरीका दा नां रखण लगे सीगे शुरू शुरू दे विच, उह रखण लगे सी कि अमरीका है इह, उह कहिंदे नहीं असीं इहनूं यूनाइटेड स्टेट्स रखणा है। तुसी यूनाइटेड स्टेट्स रख के भी चला सकदे हो कम, ते मुल्क नूं अमरीका कह के भी चला सकदे हो। रीजनलिज्म जिहड़ा है, जदों नैशनलिस्ट फैक्टर जिहड़ा है उह डोमीनेट करेगा, रीजनलिज्म जिहड़ा है उह आपदे आप हौली हौली खत्म हो जाएगा। 17 सालां दा समां जिहड़ा है उह किसे भी रीजनलिज्म नूं खत्म करन वास्ते बहुत थोड़ा रीजनल समां है। अमरीका दे विच तां 70 साल जदों उहनां दी डेमोक्रेसी पुरानी सी, बंदूकां नाल लड़ाई होई है केंद्र ते प्रदेशां दे विचाले, बंदूकां नाल। जिस कंट्री दे विच तुसी कहने हो कि बड़ी रैशनल थिंकिंग है, उत्थे बंदूकां दे नाल वाइट हाउस दे उत्ते गोले वजदे रहे ने, फैडरल गवर्नमेंट दे उत्ते सूबे दीआं सरकारां मारदीआं रहीआं ने। सो इस करके ये एक फैडरलिज्म जिहड़ा है यह भी एक डेमोक्रेसी का पासिंग फेज हुंदा है, लेकिन कठियां चोणां होणियां जिहड़ियां ये बहुत ही आला स्टैप है। जे प्रधानमंत्री जी इह कर जाणगे तां हिस्ट्री दे विच इक वारी नरेंद्र मोदी जी का नाम जिहड़ा सुनहरी अक्षर जी लिखा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, इहो जिहा फैसला लैण वाला भी प्रधानमंत्री इत्थे पैदा होया सी। ठीक है, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा जी, तुसीं कुछ कहना चाह रहे हो, तो मेरा भी सवाल यह कि तुहानूं लगता है कि इस दे नाल जिहड़ी सियासी हालात है उहनां च भी सुधार होएगा? देखो जी, बहुत ही वड्डा ते क्रांतिकारी फैसला होवेगा ये, ते कुदरती रूप विच जदों ऐसे वड्डे ते क्रांतिकारी फैसले आउंदे आ तां सामणे चुनौतियां भी नाल नाल हुंदियां ने। पर मैं समझदा भी जे कोई सोच चंगी होवे, इरादे चंगे होण, तुसीं देखो ना भी किड्डा वड्डा फाइनैंशियल बर्डन हैगा जिहड़ा ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਮੌਸਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 1967 ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਲੜਖੜਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੋਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। 356 ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਮੁੰਦਰੀ ਪਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਖੜਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ? ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲ ਪਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨੂਅਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਕਦਮ ਤਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
विधानसभा चोणा होने तो बाद सीएम इलेक्ट होकर एक महीने डेढ़ महीने तक सरकार नहीं बनी होंगी है, उस तो बाद की थोड़े दिन निकलते हैं पार्लीमेंट चोणा आती है वह कोड और कैंप लागू हो जाता है, कोड तो पहले कैंपेन शुरू होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन आए जिम्मे हम जून चाहे हैं अमृतसर जलंधर लुधियाना पटियाला इतने फिर डिवेलपमेंट के काम रुक जाने हैं फिर पंचायत इलेक्शन आ जाने हैं फिर 300 कुछ म्यूनसिपैलिटिया के इलेक्शन आ जाने हैं। सो इस तरह 5 साल के अंदर बार बार कोई ना कोई इलेक्शन आ रहा है जिस करके कि गवर्नमेंट नू अपनी फंक्शन करन च स्मूथ वे च अपनी लोगों के विकास के प्रोमिसिज नू डिलीवर करन च हिंडरेंस आती है। ये देखो है काम मुश्किल है, ये काम कोई बहुत सौखा नहीं, चैलेंजेस ये ने जिहड़ी सरकार 5 साल इलेक्ट हुई है तुसीं उन्हां नू मिडवे किवें हटा सकते हो या फिर जो खत्म होएगी तो अगले 2-3 साल 4 साल किवें वेट करना, ये एक चैलेंज साडे कोल हैगा। लेकिन 2019 च जे 6 महीने के मार्जन ठीक कर लो तो 10 स्टेट्स की चोणा जी पार्लीमेंट के नाल कराई जा सकती है। मैं उम्मीद है घट्ट तो घट्ट साडी पोलीटिकल पार्टीज इस तरफ तो वधन गई कि घट्ट तो घट 2019 जे 10 स्टेट्स ने चाहे आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मिजोरम उड़ीसा राजस्थान सिक्किम तेलंगाना इन्होंने इकट्ठे जड़े इलेक्शन जड़े हैं पार्लीमेंट ना क्लब करके हो जाए जिद घट तो घट जरा फॉर्मूला अभी पूरे देश लागू करने एक पार्ट उदा लागू हो जाए और जी बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट है वह फिर कोई कंसेंसस करके रस्ता कटिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या है इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है डिस्कशन जरूरत है और वो चर्चा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, उन्होंने कहा लागू करो ये नहीं क्या डिस्कशन जरूरत है। अच्छी गल है आज देश के अंदर इसे एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू होगी और प्राइम मिनिस्टर ने जड़े सीएम है सारे स्टेट से उन्होंने रिक्वेस्ट की। ठीक है ठीक है हमीर सिंह जी मेरा ये कहना है कि जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने भी वह भी लगता कि लाइन फाल है जिमें जोशी जी ने कहा कि पंचायत सरपंच तक कदम ताल मिलाएंगे रीजनल पार्टियां तो सत्ता के शहर च लग ही गई ने इसलिए रीजनल इशू रीजनल एस्पिरेशन जो खत्म हो रही ने पार्टियां नाम दिया नुमाइंदा ने उन्होंने रीप्रजेंटेशन नहीं है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपीनियन जो ना रहे कंट्री के कोई डेमोक्रेसी नहीं चाह रही और दूजी गलसी गलतवाद खत्म होगा जदों जोशी जी एमए नहीं बिच बोल के काम चलता संतमई ढंग नाल सुनना चाहिए दूसरा लॉजिक एक आदत पैनी चाहिए है ये भी डेमोक्रेसी का एक कॉन्सैप्ट है और गल ये जेकर डिस्कशन मैं कहा कि तीन गवर्नमेंटा तुम लागू कर ही नहीं सकते एडे वे कंट्री ना करना है जे नोट नोटबंदी का एक सैटअप है एक परसैप्शन क्रिएट गलत हुई है वह भी बलंडर सी तो अज भी बलंडर हो रहा इस तरीके अलग सवाल है कि कई बार लोग परसैप्शन रॉन्ग च भी चले जाते होंगे ने पर गल यह है कि जे अमरीका की उदाहरण या कनेडा की उदाहरण देंगे हो डबल सिटीजन टाइप का राइट है इलेक्शन कमीशन अलग ने बाकी चीज़ा अलग ने साढ़े फैडरल ढांचे के फैडरल ढांचे एक अलग इलेक्शन कमीशन ने स्टेटा के बने हुए पर 70 साल का प्रोसैस यह है 70% जी मैनू जानकारी है कि नहीं है तो आपकी गल कर ली है मैं ये कहना चाहना कि उस सैटअप के 70 साल असी संघी ढांचा सेंट्रलाइजेशन पासे वालू लगाए हैं 42वीं संविधानक सोध के नाल सिक्ख्या समवर्ती सूची के चली गई वाटर जो डिस्प्यूट एक्ट है उन्हें समवर्ती सूची वालों पानी लै गए ने जे सारे का सारा सिलेंडर हो जाएगा ये सूबों दिया विशेषतावान अपनिया ने अपने अपने विलखणतावान के मुताबिक एक फैडरल ढांचे के ताकत ज़्यादा देने की लड़ है ना कि हर गल न सेंट्रलाइज करने की लड़ है चोन वो प्रक्रिया के जिम्मे एक आगू एज ए प्रेजिडेंट कर जो तो फाल जो स्टेट गवर्नमेंट सरेंडर कर रही ने स्टेट गवर्नमेंटा जिस तरीके नाल कर रही ने साडे सामने ने ओ भाई स्टेट गवर्नमेंट रहेगी पंचायत रहेगी फ्रंट दे तौर ते साडे कोल ने गल करी जंदा हमीर जी इलेक्शन पहला होन स्टेट हमीर जी स्टेट गवर्नमेंट केवल इन्नी होया के केवल नीति आयोग च ले जाके दो चीफ मिनिस्टर नु चाह पिला दियो ए फेडरल कोऑपरेटिव ए फेडरल जम हुंदा है नहीं चलता लोग डिस्टर्बेंस नहीं चलन गए जिवें तुसी ट्राई कर रहे हो अपनी समझ बहुत लॉजिक ठीक है दूजा लॉजिक सुनी
सर प्लीज सर मेरा एक सवाल यही है कि आखिर जो है कि डेमोक्रेसी उत्तराखंड वर्गी एग्जांपल्स के में रुकन गया सर राइट है जबरदस्ती करने का नतीजा ही डिक्टेटरशिप होती है और जबरदस्त कौन कर रहे हैं डिस्कशन की बात हुई है जी जी ठीक है जोशी साहब प्लीज सर जोशी साहब तो हमीर सिंह मैं सर थानू रोकना चाहूंगा सर इस तरह समझ नहीं आ रहा किसी ने पूछा हमीर जी धारा 356 नहीं लाई हैगी अजे जी जी मैं थोड़े सारे मेहमानों तो माफ़ी चाहवागा सर समा इजाजत नहीं दिता गुरप्रताप मान जी हरिंद्रपाल सिंह चंदू माजरा जी विनीत जोशी जी करनल सी डी सिंह कंबोज एच एस किंगरा ते हमीर सिंह जी तुसी साडे नाल इस चर्चा शामिल होए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तो जो असी सवाल पूछा सीगा ओए सीगा कि देश च लोक सभा विधानसभा चोणा इकट्ठियां होनिया चाहीदियां ने ते इस ते सानू दर्शकों का भरपूर हुंगारा मिलिया 86% दर्शकों ने अपनी राय हां विच भेजी है जबकि 14% दर्शकों ने अपनी राय ना विच भेजी